आज इतना हड़बड़ी हुआ कि क्या बताए गाइस, दिचिन का स्कूल बस छूटने को ही आ गया था। ये देखिए दिचिन का लंच बॉक्स भी रेडी है। खुद को भी थोड़ा फ्रेश करते हैं, थोड़ा हाथ मुँह दे ले जी। फिर सुन सर हाँ तब दीजिए लो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे और मेरे भी एकदम ठीक हूँ। तो आप सभी लोगों का मेरे और नए ब्लॉग में स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से स्टार्ट हो रही है। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट बना रही थी और ना डेजन के लिए टिफिन पैक कर रही थी। तो हाँ गाइस आज है टीचर्स डे और उसके लिए मैं आज मैंने डेजन को जल्दी उठा लिया है क्योंकि ना स्कूल में टीचर्स डे मना रहे हैं ना। तो फिर उनको बोला है कि कलरफुल ड्रेस पहन के आने के लिए, तो इसलिए आज मैंने डेजन को जल्दी उठा लिया है। बट फिर भी वो बैठा है सोफे पर ना, आधा नींद में आधा ऐसे होके बैठा है क्योंकि आज मैंने उसे थोड़ा जल्दी उठा लिया था। तो अभी इसलिए उठाया कि क्योंकि आज तैयार करने पड़ेगा क्योंकि उसके बाल बनाने हैं। बाल बनाने में इतना नखरा करती है ना वो, क्या बताओ गाइस, इतना टाइम लगता है। यूजुअली वो स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा मैंने ऐसे ही खुला छोड़ के बेचती हूँ क्योंकि बांधने देता ही नहीं है कभी भी। और आज ड्रेस पहनेगा तो शायद वो बांधने देगी, तो मैं ट्राई करूँगी, नहीं तो फिर वैसे ही बेचना पड़ेगा। तो अभी मैं लंच पैक कर रही थी किचन के लिए। ये देखिए एक और रोटी भेजूँगी, आज भेजूँगी दो रोटी भेजूँगी, ऐसे करके ना। और इस वाले में ना फ्रूट डालने हैं अभी, तो चलिए जल्दी पहले जल्दी फ्रूट्स को काट लेते हैं। ये देखिए दिचिन का लंच बॉक्स भी रेडी है और साइड में मैंने पपाया डाला है आज। तो पपाया वो यूजुअली इतना खाता नहीं है, पता नहीं आज खाएगा कि नहीं खाएगा क्योंकि मैं रोज़ वाटरमेलन रखी हूँ, तो वाटरमेलन उसका फेवरेट है। बट ना रोज़ क्या वाटरमेलन रखना है ना, तो आज मैंने पपाया रखा है, पता नहीं वो खाएगी कि नहीं। दिचिन का लंच बॉक्स पैक हो चुका है, तो अभी चलिए अभी दिचिन को रेडी करते हैं। तो गाइस ना अभी ना आज इतना हड़बड़ी हुआ कि क्या बताए गाइस, दिचिन का स्कूल बस छूटने को ही आ गया था। पता नहीं आज इतना टाइम जल्दी निकल गया ना, मैं आज मैंने दिचिन को जल्दी उठाया फिर भी लेट हो गया। सबके लिए नाश्ता बना के फिर दिचिन को तैयार करते करते इससे उसके बाल बनाने में आज थोड़ा टाइम लग गया, तो पता ही नहीं चला कब टाइम हो गया। तो आज ना बस को यहाँ गेट पर वेट करना पड़ा, तो आज मेरा मन थोड़ा वो है क्योंकि ना दिचिन ने कुछ नहीं खाया, खाली पेट ही जाना पड़ा उसको स्कूल। तो रोज़ तो वो कुछ ना सही दूध तो पी के जाती थी, बट आज ना वो पूरा खाली खाली पेट गया ना, तो मेरा मन थोड़ा वो हो रहा है। कोई बात नहीं, फिर मैंने लंच तो भेजा है बट फिर भी लंच के बाद वो घर आ जाएगी, तब तक उसे भूख ना लगे। और ना उसके बाद आज देखो ना मैंने हाथ मुंह भी नहीं धोए है, अभी 11 बज रहे हैं, घर का काम पूरा ऐसे ही पड़ा है। और अभी ना फिर पापा बार बार बुला रहे थे दुकान में कुछ सेटिंग करना है बोल के, फिर अभी मैं वहाँ जाकर आई हूँ और अब जाकर मैं घर का काम स्टार्ट करूँगी। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि ना उसके बाद फिर पापा को कहीं जाना है, तो मुझे दुकान पर बैठना पड़ेगा। तो पता नहीं गाइस आज इतना सुबह टाइम जल्दी निकल गया ना, देजन को ऐसे हड़बड़ी में ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा करके बेचना पड़ा। Thank you.
जैसे करके ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत कर लिया है किचन। तो अब बारी आती है लिविंग रूम की। बहुत हो गया है, ये भी मैंने ऊपर ऊपर से किया है। आज ना काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ना कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरा ऐसा होता है कि एक दिन शरीर बहुत हल्का हो जाता है और दूसरे दिन ना बहुत भारी भारी सा लगता है। तो कुछ दिन से ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। और जिस दिन हल्का शरीर होगा ना उस दिन ना बहुत काम करने का मन करता है, नेक्स्ट दिन ना ऐसा लगता है कि कुछ काम ना करूँ, बस लेटे रहूँ ऐसा होता है। मैं कुछ दिन से नोटिस कर रही थी, एक दिन छुड़ के ऐसा हो रहा है। तो लगता है आज वही दिन है। तो आज बहुत वो हो रहा है, आलस आ रहा है काम करने में ना, शरीर भी भारी भारी सा, बस लेटे रहूँ सोए रहूँ ऐसा लग रहा है। तो फिर भी क्या करें, मजबूरी है, अभी घर का ये छोटा मोटा काम तो करना पड़ेगा, ऐसे फैला के भी नहीं रख सकते ना। तो आज मैंने थोड़ा हल्का फुल्का किया है ऊपर ऊपर से, तो लिविंग रूम भी हो गया है। तो अभी रह गया है बस, आज तो मैंने हाथ मुंह भी नहीं दिया, कैसा लग रहा है। और अभी ना यहाँ करना है बाहर बाहर का ये सब करना है। थोड़ा काम खत्म हो चुका है, आज तो मैंने पूरा ऐसा काम चला हुआ किया है। तो हो गया भी थोड़ा बहुत, अभी ना खुद को भी थोड़ा फ्रेश करते हैं, क्योंकि थोड़ा हाथ मुंह धो लेते हैं, क्या पता थोड़ा फ्रेश सा फील हो। तो जल्दी हाथ मुंह धोते हैं। तो अभी मैंने अपना फेस भी वॉश कर लिया है, बस अभी काम खत्म हो गया है। तो अभी कुछ पीने का मन कर रहा है, तो चलिए क्या है देखते हैं। तो ये मैंने अपने लिए बनाया है नींबू पानी, इसको पी लेते हैं। ये आज तेज धूप है, बस अभी 1 बज गया है और किचन की स्पीज भी आ गई है। तेने? देखो अभी इसको गुस्सा आ गया है। हाँ एक हस्ता नाम दिन ड्रेसअप पता नाम करे चिरा मेरा ते चिलो का दिन चीज आ गया मैं मिस ले चिलो ते दंग जे ते तुम रूम मामा पता मसों लंच मजा स्पीड लंच कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। तो गैस अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अभी मैं जस्ट उठी हूँ थोड़ा बहुत रेस्ट करके। पता नहीं आज कल क्या हो रहा है गैस, पूरा अजीब सा हो रहा है। और अभी ना ऐसा हो रहा है कि मन सो जाओ, नींद आ रहा है ऐसे जैसे होता है, बट जब लेटती हूँ ना नींद आता नहीं है, बस ऐसे ही अजीब सा हो रखा है। तो अभी मैं जस्ट उठी हूँ, नींद भी नहीं आया, बस ऐसे आँखें बंद करके ऐसे बैठी रही। तो अभी मैं जैसे उठी हूँ और ना मैंने अभी चाय बना दिया है। तो
तो मम्मी चाय पी रही है और मैं तब तक ना पहले मैंने सोचा कि आज यूनिफॉर्म धोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना आज तो यूनिफॉर्म पहना नहीं है। तो मैंने देखा तो थोड़ा गंदा सा है तो मैंने निकाल दिया है। अभी मेरे को धोना पड़ेगा यूनिफॉर्म, तो मैं अभी जल्दी से भिगो लेती हूँ और साथ में कुछ कपड़े भी है मेरी भी ही थोड़ी सी, तो मैं पहले इनको ना भिगो देती हूँ। तो गाइस अभी शाम हो चुकी है और मैंने कपड़े भी मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। देखिए थोड़े बहुत ही कपड़े थे वो भी धुल चुके हैं और शाम की चाय भी पी ली हमने। और देखिए अभी रात होने वाली है और अभी ना कुछ खास नहीं होगा, बस अभी डिनर बना नहीं है, फिर वो खा के सोना ही है बस। तो आज का दिन यहीं पर ख़त्म होता है, तो आज का व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ गाइस। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगे होंगे, तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय गाइस, बाय।